नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो सरसों और चना और बथुआ का साग आज बताऊंगी बनाना बिगनर्स के लिए, जो बहुत इजी तरीके से लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर साग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया सरसों की पत्तियों को, और यहाँ पर इसके मुलायम पत्तियों को तोड़ करके मैंने धुल करके ले लिया है, और ये बहुत ही फ्रेश है। तो इस तरह से अब हम ले लेंगे यहाँ पर चने की पत्तियों को, तो उसको भी मैंने यहाँ पर जड़ों को हटा दिया है और इस तरह से पत्तियों को तोड़ करके धुल लिया है, धुल करके साफ़ कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे पालक की पत्तियों को। थोड़ा सा पालक मिलाने से साग बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हम सब सारे सागों को 200-200 ग्राम लिए हैं, और यहाँ पर बथुआ भी मैंने लिया है 200 ग्राम, और इसे भी मैंने धुल करके तैयार कर लिया है। फिर सारे सागों को हम बारीक बारीक कट करेंगे। तो सारे सागों को इस तरह से बारीक कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सरसों को कट करेंगे, और जब सारे साग बारीक कटे होते हैं तभी इसे हम बनाते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि उबाल कर तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन जब ये साग इस तरह से बनते हैं तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनते हैं, जैसे कि सरसों के साग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सारे सागों को बारीक बारीक कट करेंगे हम, और इसके बाद इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चने को भी मैंने कट कर लिया है, और उसके बाद हम सारे सागों को कट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए सारे सागों को बारीक बारीक कट करेंगे, क्योंकि हम इसे उबालेंगे या पीसेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये चार साग तैयार हो गए हैं, और अगर आपको मटर के साग मिल जाए तो वो भी आप इसमें बारीक कट करके डालें, तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा, और ये बहुत ही लाभदायक भी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पॉट गर्म करेंगे, और वहाँ पर डालेंगे हम सरसों का तेल, और डालेंगे इसमें हींग। हींग का टेस्ट सरसों के तेल के साथ बहुत अच्छा आता है। और एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ लहसुन को बारीक चॉप करके डाला है, बारीक चॉप करके अदरक डाला है एक बड़ा चम्मच, और हरी मिर्च डाला है मैंने, स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। तो अदरक और हरी मिर्च और लहसुन को हम अच्छी तरह से पकाएंगे तेल में, और लो टू मीडियम फ्लेम मैंने रखा है सरसों का तेल पहले अच्छी तरह से गर्म करने के बाद। उसके बाद जब ये लहसुन और अदरक जो है इस तरह से भुन जाए, तब इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, और इसे भी हम अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। तो देख रहे हैं आप, प्याज इस तरह से भुन रहा है, और ये भुन करके बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है हमारे साग में। तो साग जब ये प्याज अच्छी तरह से भुन जाए कुछ इस तरह से, देखिए अब इसमें हम डाल देंगे साग को। तो इस तरह से थोड़े थोड़े साग को डालेंगे, और इसे हम ऊपर नीचे करेंगे। जब ये साग थोड़े मुलायम हो जाते हैं तब पॉट में अच्छी तरह से आ जाएंगे, नहीं तो साग जो है ऊपर तक भर जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं चलाती रहूँगी ताकि तड़के हमारे जो है नीचे जले नहीं। अगर तड़का आप नीचे छोड़ देंगे इस तरह से तो वो बाद में काला हो जाएगा और साग का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए अब इस तरह से साग को डाल देंगे, और नमक डाल देंगे, और इस तरह से हम चला कर एक बार इसे ढकेंगे धीमी आँच पर, ताकि ये अपना पानी रिलीज करे और ये अच्छी तरह से उसी पानी में पकेगा। तो ये देखिए ढक्कन हटाकर मैं आपको दिखाती हूँ, साग इस तरह से पक रहा है, और भाप की वजह से ये पानी छोड़ रहा है, और इसी पानी में ये पकेगा। तो इस तरह से हम चला करके पकाएंगे, जो इस तरह ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का सरसों और बथुआ के साग को, उसी तरह से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर पानी अच्छी तरह से साग ने छोड़ना शुरू कर दिया है, और इसे ढक करके हम पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से पानी छोड़ ना दे। तो यहाँ पर हमने लिया है मक्के का आटा, और मक्के की रोटियाँ भी मैं बनाऊंगी साथ ही साथ, तो उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चम्मच मक्के के आटे को निकाल लेते हैं यहाँ पे कटोरी में, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसे डाल करके हम अच्छी तरह से लम्स को हटाते हुए घोल बनाएंगे। तो इस घोल को हम यूज करेंगे सरसों के साग में, और ये हमारे साग को बहुत ही सॉफ्ट बना देगा और बहुत ही स्मूथ बना देगा। तो इस तरह से साग को हम बनाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे स्मूथ सा घोल बना लें पहले, उसके बाद इसे हम साग में मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने साग में मिलाना शुरू कर दिया है मकई के घोल को, उससे पहले हम थोड़ा इसे चला लेते हैं, और ये मक्के के आटे को घोल के मिला देने से ये बहुत ही स्मूथ साग बनकर के तैयार होता है, और ये जो कूट जाते हैं बहुत ही इजी ढंग से। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी, नमक और मक्के के आटे को मैंने घोल करके डाल दिया है, और इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मिला देंगे, और फिर हम इसे धीमी आँच पर ढक करके पकाएंगे, और उसके बाद हम इसे इसी तरह से कूट कूट करके बारीक करेंगे, ना कि इसे हम पीसेंगे। तो इस तरह से जब हम
चलाते हैं तब ये साग बहुत ही बारीक और बहुत ही स्मूथ हो जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से तब तक यहाँ पर रोटियों की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक मिलाया है मक्के के आटे में मैंने, और मैंने कोई भी आटा और नहीं मिलाया है, ये केवल मक्के का आटा है। और इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है और इसे हम इस तरह से चम्मच से मिला देंगे, क्योंकि गर्म पानी है तो हाथों से अभी छुएंगे नहीं। और ये बहुत ही गर्म पानी मैंने इसमें डाला ताकि आटे में ग्लूटेन एक्टिव हो और ये आटा जो है वो सॉफ्ट लग करके तैयार हो। तो इस तरह से पानी डाल करके हम चम्मच से मिला देंगे और इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद ठंडा होने देंगे, तब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से माढ़ेंगे। तो आप चाहें तो इसमें गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं, इससे भी रोटियां अच्छी बनती हैं। मैं यहां पर सिर्फ मक्के का आटे का ही रोटी बना रही हूं। तो यहां पर हम जो इस तरह से मिक्स करके और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए साग जो है पक रहा बहुत ही अच्छी तरह से और पानी भी छोड़ रहा है, और इस तरह से हम इसे कूट करके पकाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाती रहूँगी बार बार जब तक ये पक नहीं जाता है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आटा ठंडा हो गया है और इसे अब हम हाथों से अच्छी तरह से माढ़ लेंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा माढ़ते हैं। अगर थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो छींटा दे करके पानी का इस आटे को हम लगा लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल आटा लगाते हैं, लेकिन पहले इसमें गर्म पानी ज़रूर डाल करके सानें, तभी मक्के का आटा जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाता है गूँथ करके। तो यहाँ पर आटा जो है गूँथ करके हमारा तैयार हो गया है और इसे भी हम रेस्ट करने देंगे, और तब तक हम अपनी साग को अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साग पक रहा है बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन इसे ट्रेडिशनल तरीके से मथानी से मत करके तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने भी लकड़ी की मथानी ली है और इससे अच्छी तरह से इसे हम मथ लेंगे। तो जो ट्रेडिशनल तरीके से साग बनता है सरसों का साग या मक्के की रोटी के साथ खाने के लिए, वो इसी तरह से मथानी से मत करके तैयार होता है और ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मथ लें ताकि साग हमारा स्मूथ हो जाए और बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। तो इसका स्वाद का अलग ही टेस्ट होता है। जो पीस करके साग बनता है वो तो अलग तरीके से बनता है, और ट्रेडिशनल तरीके से साग इसी तरह से बनकर तैयार होता है। तो साग हमारा बिल्कुल बनकर के तैयार है, और चलिए अब इसके ऊपर एक अच्छा सा तड़का तैयार करते हैं इसके लिए, जो इस साग के टेस्ट को और दोगुना कर देगा। तो यहाँ पर एक तड़का दानी लिया है मैंने, और इसमें डालेंगे हम देसी घी, और देसी घी जब इसमें गर्म हो जाए अच्छी तरह से, तब इसमें हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ एक चम्मच लहसुन, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्चों को, और इसे हम गुलाबी होने देंगे अच्छी तरह से, जलने नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि टेस्ट इसका कड़वा हो जाएगा। तो इस तरह से डाल करके फिर इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ये सारी चीज़ें हम स्लो फ्लेम पर ही करेंगे। और उसके बाद ये तड़का हमारा जब तैयार हो जाएगा तो इसे हम साग के ऊपर डाल देंगे। तो इस साग पे ये तड़का जा करके बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस तड़के को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, और ये तड़के साग को बहुत ही टेस्टी बना करके तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा साग जो है वो रेडी हो गया है, और इसे हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं, और इसके बाद हम बनाते हैं मक्के की रोटी। तो यहाँ पर मक्के की आटे की एक लोई मैं लूँगी इस तरह से, और इसमें लगाएंगे हम सूखा आटा। तो मैंने यहाँ गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया है, और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो इस तरह से देखिए जब ये बेलते हैं तो ये थोड़े से क्रैक भी होते हैं किनारियाँ, और जब मक्के की रोटियाँ बनती हैं प्योर तो इस तरह से क्रैक जरूर होती हैं, और अगर आप इसमें आटा मिला देंगे तो थोड़े स्मूद ये बेल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो मक्के की रोटियाँ बेल लिए हैं, और उसके बाद मैं आपको दोनों तरीके से सीखना भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर चलिए पहले तवा गर्म कर लेते हैं, और गर्म तवे पर ही रोटियों को हम डालेंगे, नहीं तो रोटियाँ हमारी चिपक जाएंगी और टूट भी जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से घी लगा करके भी आप दोनों साइड से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक सकते हैं उलट पलट कर। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने घी लगा लिया है, और इसी तरह दबा दबा करके सेक लिया है, और ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से रोटी को आप इसी तरह से सेकिए, और फिर इसको हम डायरेक्ट गैस की फ्लेम पे रख देंगे। तो इस तरह से ये कुरकुरी रोटियां तैयार हो जाती हैं। तो चाहे आप इस पे बटर लगाइए, घी लगाइए, जो भी आपके लगाने का मन हो वो लगा करके आप इसे खा सकते हैं, और अगर आप नहीं खाना चाहते हैं घी या बटर तो आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। तो रोटियां इस तरह से भी बन करके तैयार हो जाती हैं, जैसा कि मैंने बनाया है, और इसे मैंने इस तरह से सर्व कर लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी, और ये बटर के साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं रोटियां। उसके बाद इसमें हम साग लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करूंगी। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, रेसिपी पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।